कर दोस्तों, WBCS 2021 का प्रीलिम्स आज हुआ यानी कि 22 अगस्त को। कट ऑफ कैसा जा सकता है कैटेगरी वाइज, डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन लेवल कैसा था पिछले साल के मुकाबले वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स का क्या कहना है, कैसा उन्होंने अटेम्प्ट किया दूसरे सालों के मुकाबले, वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो या फिर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, मैथमेटिक्स के ऊपर, जीके के ऊपर हम शॉर्ट ट्रिक्स लाते हैं, वो सारी चीजें सीखने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए, हमारा एनालिसिस आपको पसंद आए, तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से दोस्तों। 2018 से हम शुरुआत करेंगे। उस साल 98 कट ऑफ आया था। इससे पहले के सालों में दोस्तों ऐसे ही कट ऑफ आया करते थे, 97, 98, 100, ऐसे ही कट ऑफ आया करते थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद से मेजर चेंजेस कुछ हमें देखने को मिले WBCS कट ऑफ में। दोस्तों इस साल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आप देख सकते हो 11,000 के करीब कैंडिडेट्स थे, सिलेक्टेड हुए थे मेंस के लिए। 2019 का कट ऑफ दोस्तों 105 चला गया था, और दोस्तों उस साल 15,000 कुछ लोग मेंस के लिए सिलेक्टेड हुए थे। और 2020 साल का कट ऑफ दोस्तों इतिहास में शायद PSC का इतना कट ऑफ, WBCS का इतना कट ऑफ पहली बार आया, 127, शायद नहीं बोलूंगा ये पहली बार ही था कि इतना ज्यादा युवा का कट ऑफ निकल कर आया। और दोस्तों मेंस के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा कम थे, 4,690 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए सिलेक्ट किया गया था। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था, क्यों ऐसा कट ऑफ बढ़ रहा है, वो भी हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आगे। उससे पहले हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं एक बार जल्दी से। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने एक टेबल बनाकर लिखा है। दोस्तों ये एक प्रेडिक्शन है, कैंडिडेट्स के कहने के ऊपर डिपेंड करके हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश, जिनका पेपर बहुत अच्छा भी गया, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं, और जिनका मॉडरेट था या फिर बिलो एवरेज था, उनसे भी हमने कांटेक्ट की। और सारे कैंडिडेट्स के साथ बात करने के बाद ही हमने ये वीडियो एनालिसिस की, ये वीडियो हमने बनाया। तो यूआर कैटेगरी के अंदर हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किए है कि 118 से 121 तक का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, इस रेंज में ही कट ऑफ होगा। ये दोस्तों एक प्रिडिक्शन है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों, इस साल 120 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको वीडियो में आगे डिस्कस कर दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके 116-117 भी कट ऑफ आ रहे हैं, तो दोस्तों आप मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। लेकिन दोस्तों अगर आपका 110-112 ऐसा आ रहा है, तो फिर दोस्तों शायद नहीं हो पाएगा। आपका क्या मानना है इसके ऊपर, आपको क्या लगता है, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? और बाकी हर चीज तो PSC के ऊपर ही डिपेंड करता है, कितने वैकेंसीज है या फिर कितने कैंडिडेट्स को वो मेंस के लिए सिलेक्ट करेगा, वो दोस्तों PSC डिस्क्लोज नहीं करती है। इसी के लिए हम कट ऑफ का एजम्पशन एकदम सटीक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके आसपास ही होगा। OBC का कट ऑफ दोस्तों 113 से 116 तक तो देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी के अंदर दोस्तों 107 से 111 तक का कट ऑफ देखने को मिलेगा। ST की कैटेगरी के अंदर दोस्तों 99 से 103 तक का कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि एक प्रेडिक्शन है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ कट ऑफ जाने वाला है। दोस्तों आप बात कर लेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, क्यों कट ऑफ ऐसा हो सकता है और किस बेसिस पर मैं ये सब चीजें कहता हूँ, कह रहा हूँ। लास्ट ईयर दोस्तों क्वेश्चन लेवल जो था वो था इजी टू मॉडरेट लेवल। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर मुश्किल आए थे, डिफिकल्ट जरूर आए थे, लेकिन दोस्तों उन क्वेश्चंस की नंबर्स आप देखोगे तो वो 20 या 25 क्वेश्चंस जो थे वो बहुत डिफिकल्ट से क्वेश्चंस आए थे। लेकिन दोस्तों ओवरऑल एक बात किया जाए तो फिर वो इजी टू मॉडरेट था। लेकिन दोस्तों इस साल डिफिकल्ट क्वेश्चंस की नंबर्स कुछ ज्यादा ही निकल कर आए हैं, इसीलिए दोस्तों 2021 के क्वेश्चन लेवल को हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पर सेट किए हैं। ये भी दोस्तों कैंडिडेट्स के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही हमने ये किए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें ऐसा बताया है। दोस्तों एक और भी मेजर कारण जो है कट ऑफ इंक्रीज करने का, वो दोस्तों है लेवल ऑफ एजुकेशन गोज हायर, यानी कि दोस्तों हर साल लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। वो क्यों दोस्तों, 3-4 साल पहले भी अगर आप देखोगे तो उस साल जो कुछ कैंडिडेट्स कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते थे, बस बस वही दोस्तों WBCS एग्जाम के लिए पढ़ते थे और वही प्रिपरेशन करते थे एकदम फुल फॉर्म में। लेकिन दोस्तों जो आउटसाइडर्स थे, यानी कि जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह में नहीं जाते थे, वो लोग दोस्तों उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं कर पाता था, जिसके कारण कट ऑफ 98-99 ऐसा कुछ रहता था हमेशा। लेकिन दोस्तों लास्ट के 3 या 4 सालों में हर एक चीजें, हर एक कंटेंट, सिलेबस या फिर गाइड कुछ भी कह लो, वो सारी चीजें इंटरनेट पर आपको अवेलेबल मिलती है, वो भी फ्री में या फिर बहुत ही कम खर्चे में। इसके लिए दोस्तों कट ऑफ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का पढ़ने का लेवल, एजुकेशन लेवल वो बढ़ रहा है।
उसके साइड में ही दोस्तों बहुत सारे सेक्टर्स में अभी सिलेक्शन प्रोसेस बंद है, जैसे कि स्कूल सर्विस कमीशन में स्टेट में अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके कारण भी दोस्तों बहुत सारे लोग WBCS के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिससे इसका कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। दोस्तों हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा, क्या आपका प्रेडिक्शन है, आपने कितने अटेम्प्ट किया, वो हमें कमेंट में बताना मत भूलना। और दोस्तों अगर मैथमेटिक्स जीके के ऊपर आप शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हो तो फिर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे बहुत कमाल के शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।